सुबह देखा मैंने 6:30 बजे करीब, 6 बजे से स्टार्ट हो गया। उससे पहले से ही बताएं कि मैंने 6 बजे देखा था कि ऊपर छत के ऊपर टंकी भर गई थी, तो उसको देखने चक्कर में मैं बाहर निकला तो शीशे पे कोहरा जमा हुआ था। उस शीशे पे कोहरा जमा हुआ था तो मैंने कोहरा साफ किया और उसके बाद ही मैंने देखा बारिश हो रही है। तब मैंने मोटर बंद करी और देखा, मैं फिर मैं सोया नहीं, मैंने थोड़ा बारिश के मज़े लेता हूँ अंदर से, वहाँ तो ठंड लग जाएगी इसलिए। अब थोड़ा पीड़े मेरे सही हो गए हैं, आप देख सकती हो ये थोड़े में पानी पानी हो गया है, वो ज़रूरी है लगाने पर घर में। एक हाथ पेड़ आप लगाया करो तो अच्छा रहता है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत कम होता है ना इनसे। हम फेस के लिए, स्किन के लिए भी यूज करते हैं, मैंने काफ़ी सारे लगा रखा है। ये देखिए कुछ पूरा भरा पड़ा है, नीचे भी देखिए ये कितना सारा है एलोवेरा। और मिर्ची वगैरह के भी पेड़ मैंने आपको बता दिए तो थे, लेकिन इस बार यहाँ से दोस्तों ये गमला दिख रहा है आपको यहाँ ना, ये वाला, इस गमले में मैंने तोरी लगाई थी वो पूरे वहाँ तक चले गई थी, इस तक पूरे इस पेड़ तक चले गई थी। और तार 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 से होते हुए, तार से होते हुए तो वहाँ पूरे में मतलब पहुँच गई थी। और वो क्या हुआ कि बंदर तो यहाँ बहुत आते हैं, 2-4 तो ही हमने खाई भी, और फिर बंदर आए, उन्होंने क्या किया कि नीचे से ही वो डंडा ही तोड़ दिया और लेके लेके भाग गए। तो जो चार जो तोरी थी उसमें नीचे नीचे वो तो लेके, ऊपर वाली उतार आर में बंधी हुई थी, हमें बांधी थी उसमें से नहीं तोड़ पाए, तो हम क्या हमने सब्जी बना ली। लेकिन बंदर बहुत परेशान करते हैं दोस्तों, ये सामने पेड़ इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसके ऊपर ही दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर इस पर बैठे रहते हैं, इसमें फल लगे होते हैं लंबे लंबे से, पता नहीं क्या फल होता है, उसका नाम नहीं पता मेरे को, उसको खाने के लिए आते हैं। और फिर ही वहाँ से उतरेंगे, छत पर कूदेंगे और छत पे चले जाएंगे। जो बड़े बड़े बंदर होते हैं वही सीढ़ी से होते हुए ऐसे करके पूरा ऊपर जाएंगे, ऊपर टंकी के नीचे जगह है ना, उसी के नीचे जाके सो जाते हैं रात को एक साथ। जब ये रात में और दिन में सुबह सुबह धमधम की आवाज़ आती है, क्योंकि ये रात में यहाँ सोते हैं ना तो उसी की आवाज़ आती है, इसलिए मैं सुबह जाने में थोड़ा वो करता हूँ, क्योंकि एक दो तो होते ही होते हैं, 15-20 काटने के लिए मतलब डर रखता है ना, काट लें फिर। तो दोस्तों यही बात है कि आज मौसम आप देख लो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर तो पॉल्यूशन ही रहता है शहरों में, आजकल कैसे धूप भी साफ आएगी। और इस टाइम देखिए क्या कर सकते हैं, अंदर ही बैठेंगे, लॉकडाउन लग ही रहा है, तो लॉकडाउन तो क्या मतलब लॉकडाउन जैसे ही है समय चल रहा है, तो इसलिए देखना पड़ेगा। और मेरा TV का रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हो, मेरे पैरों के दर्द की दवाई बता रहे हैं, जिसको चाहिए वो आके ले सकता है, तो वही दिखा रहे हैं उसमें। तो TV रिचार्ज तो ख़त्म हो चुका है, तो जो चीज़ फ्री होती है चैनल में वही आते हैं बताते रहते हैं। अभी फ़ोन करूँगा दोस्त को, वो रिचार्ज कर देगा, नीचे मैं जाऊँगा नहीं अभी, क्योंकि पूरे में कीचड़ कीचड़ हो रखा है, और आप देख सकते हो कि कितनी ठंड भी हो रही है, इतनी ठंड में मैं कैसे जाऊँ। ये देखो, ये देखिए दोस्तों कितना कोहरा जमा पड़ा है, पूरा ऊपर शीशे तक भरा पड़ा है, हर जगह भरा हुआ है, ये कोहरा इतना ठंड हो रहा है आज के दिन। सुबह बारिश हुई थी तो उस टाइम इतना ठंड नहीं लगा, जब मैं सुबह उठा बूंद बारिश हल्की की बारिश हो रही थी, उसमें गया था मैं ऊपर टंकी का पानी बंद करने के, तो अभी ये देख सकते हो मेरे शीशे पे कितनी ठंड हो रही है, ये देखो ये देखो।
अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में।